आपका स्वागत है इस संपूर्ण डेयरी ज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि ब्याते ही जानवर को क्या करना चाहिए। ये समझ लीजिए कि जैसे ही जानवर ब्याता है वो खीस देता है, और खीस में जो है 3 ग्राम के करीब, 3 ग्राम से कुछ कम जो है वो कैल्शियम निकलता है प्रति लीटर। अगर मान लीजिए वो 10 लीटर दूध दे रही है तो उसमें जो है वो 30 ग्राम निकल जाएगा। ये कैल्शियम अब आएगा कहाँ से? तो ये कैल्शियम जो है बोन्स में से निकलता है। बोन्स में से निकलने के लिए ये ज़रूरी है कि ब्लड का पीएच जो है वो अम्लीय हो। देखिए, ये ट्रांजिशन का वो है, एक ट्रांसमिक्स है, ये ट्रांजिशन का, ये ट्रांजिशन पीरियड के लिए आप जैसे ही आपकी गाय बच्चा निकल आता है एक बोतल पिला दीजिए। वो जो है उस वक्त ये होगा कि उसका कैल्शियम जो है हड्डियों में से निकलेगा कि गाय जो है वो उसके कोलेस्ट्रम में या उसकी खीर में कैल्शियम आ जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो आप उसको पहले से 9 सादर और मैक्सल 50-50 ग्राम खिलाते रहे। वैसे आप ये दे देंगे तो ये भी 9 सादर और मैक्सल का काम करता है। फिर 12 घंटे बाद दीजिए। देखिए, ये जो है एक बोतल पिला दीजिए और फिर एक बोतल बाद में पिला दीजिए। तो ये ट्रांजिशन का है, इससे आपको मिल्क फीवर नहीं होगा। और ये जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है, मतलब जो आपने गाय को ड्राई कर दिया तो उसमें उस पीरियड में उसमें फैट जमा हो जाता है, ये फैट से ग्लूकोज बनाता है, प्रोटीन से भी ग्लूकोज बनाता है। तो आप जो है मिल्क फीवर और कीटोसिस दोनों से बच जाएंगे। इसको रखिए अपने पास, जब गाय ब्याने वाली हो उससे पहले ही ला के रख लीजिए। और ये ट्रांजिशन ये बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप ये मिनरल मिक्सचर भी दीजिए। देखिए, VMP है, मैं तो VMP देता हूँ। इसको 10 किलो में 100 ग्राम मिलाइए, पर अगर जब गाय ब्या रही है तो आप 10 किलो में 200 ग्राम मिला दीजिए 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन तक काफ़ी कैल्शियम निकलता है उसमें। धन्यवाद, आपने सुना। मैं अथैया हूँ और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। टेलीफोन नंबर 8979748686।